नमस्कार, हरे कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी ठाकुर भक्तों का। तो अक्षय तृतीया आने वाली है और 14 तारीख को है अक्षय तृतीया, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं इसके ऊपर एक वीडियो बनाए। और आज संदन सेवा दे रहे ठाकुर जी को और उस दिन भी देंगे, तो संदन आप इससे भी घिस सकते हैं। तो हर बार मैं इसे घिस के करती हूँ ठाकुर जी के, चंदन लेप लगाती हूँ। और एक मैंने ये चंदन का पाउडर लाया था, तो ये भी चंदन लकड़ी का ही पाउडर है इसमें। और एक इसमें भी गोपी चंदन का पाउडर आता है जो मैंने पतंजलि का लाया है। और ये गुलाब जल और ये गंगा जल और ये गोपी चंदन जो आता है घिस के लगाते हैं ठाकुर जी के ऊपर। तो आज मैं ठाकुर जी के ये घिस के चंदन लगाऊंगी। सबसे पहले तो मैं पानी डाल रही हूँ। और जो भी आपके पास सामान है अवेलेबल, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सामान कुछ नहीं मिल रहा है ज़्यादा। और थोड़ा मैं गुलाब जल मिलाऊंगी इसमें और फिर बाद में मैं गंगा जल मिलाऊंगी और इसको अच्छे से घिसूंगी मैं। देखिए इतना मैंने चंदन घिस लिया है और ये मैंने एक कटोरी में ले लिया है नॉर्मल वाला जो मैंने इससे घिसा है। और अभी मैं थोड़ा इसमें दो डाली डालूंगी मैं केसर की, और ये मैं केसर की थोड़ा सा इतना डालूंगी सिर्फ। और फिर मैं ये ठाकुर जी के मस्तक पे लगाऊंगी, तो इतना मैं येलो कलर आ जाएगा ये वाला, ऐसे घिसूंगी थोड़ा तो मस्तक पे लगाऊंगी ठाकुर जी के। देखो ये येलो कलर हो गया। तो देखिए चंदन में अभी लेप लगा रही हूँ ठाकुर जी के, और अभी मैं इस ब्रश से लगा रही हूँ। और ये यूज किया नहीं है, ब्रश नया है। तो जो पेंटिंग बनाते हैं उसका ब्रश लिया है छोटा वाला। और आज एकादशी है तो ठाकुर जी के चंदन सेवा भी हो जाएगी, पूरे बदन पे लेप लगाऊंगी मैं ठाकुर जी के। और थोड़ी देर इसको बाद में फिर ठाकुर जी को हम थोड़ी देर छोड़ देंगे, ड्राई हो जाएंगे। पूरी बॉडी पे लगाऊंगी मैं अच्छे से। तो आगे तो हो गए गोपाल जी का लेप, और मैं पीछे की तरफ कर रही हूँ, घुमा के अच्छे से इनके लेप हो जाएगा। और आज पूरे दिन ठंडे ठंडे हो जाएंगे, मैं 4 घंटे तक रखूँगी, फिर मैं वापस इनको नहलाऊंगी ठाकुर जी को। एक बार तो सुबह मैंने नहला दिया था इनको, और अभी ये ठंडे ठंडे में थोड़ी देर बैठेगी। देखिए ठाकुर जी तैयार हो गए हमारे, तीनों ठाकुर जी तैयार होके विराजमान कर दिए मैंने सिंहासन पे।
और शालिग्राम जी को भी मैंने चंदन का लेप लगा दिया है, क्योंकि जैसे ही मैं गोपाल जी की सेवा करती हूँ बिल्कुल वैसे ही मैं शालिग्राम जी की बिल्कुल ऐसे ही सेवा करती हूँ। और आज एकादशी है तो मैंने ठाकुर जी को भोग भी लगा दिया है आम का, और दो तीन चार घंटे तक ये ठंडे ठंडे रहेंगे हमारे ठाकुर जी, और फिर बाद में मैं इनको वापस नहलाऊंगी। तो ये अक्षत तृतीया पे आप ऐसे श्रृंगार कर सकते हैं अपने गोपाल जी का, जो भी आपके पास सामान अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास संदन लकड़ी है घिसने की तो उससे भी आप लेप कर सकते हैं। तो मैं तो हमेशा घिस के ही लेप बनाती हूँ इनके, और उसी में से ये लेप मैंने किया है। और इनको मैंने तैयार करने में मुझे 2-2.5 घंटे लग गए ठाकुर जी को। तो कैसे लग रहे हमारे गोपाल जी? तो ये था छोटा सा जो तैयारी मैंने अक्षत तृतीया पे की है, और आप कर सकते हैं जो मैंने अपने घर पे हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ। जो मेरे भाव है जो मुझे आती है मैंने वही आपको बताया है। तो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण राधे राधे, सेफ रहे, खुश रहे।